ABPS News. ढेला नदी के पुल की मरम्मत का कार्य पूरा, काशीपुर रामनगर हाईवे मार्ग शुरू। वर्षों से जर्जर हालत में काम चला रहा ढेला नदी का पुल आखिरकार लगभग 1,40,00,000 रुपए की मरम्मत खर्च के बाद अब सभी वाहनों हेतु खोल दिया गया है। विदित हो कि वर्षों से काशीपुर रामनगर हाईवे मार्ग का भोजपुर नगर पंचायत के पास ग्राम गणेशपुर पर बना ढेला नदी का पुल जर्जर हालात में था। डर का आलम यह था कि लोग अपना वाहन इस पुल से पास होने पर डरते थे। यह अकेला ऐसा पुल है जो दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आपस में जोड़ता है। पड़ोसी राज्य के अधिकांश व्यावसायिक वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। इस पुल के जर्जर हालात होने के चलते माननीय सांसद डॉक्टर एसटी हसन, माननीय विधायक हाजी इकराम कुरैशी व माननीय विधायक नवाब जान खां, किसान नेता व समाज सेवी, पूर्व जेल विजिटर, जिला कारागार प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड 51 मुरादाबाद आदि ने इस जर्जर पुल को सही करने की मांग आंदोलनों के माध्यम से जिलाधिकारी, मंडलायुक्त मुरादाबाद, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सेतु निगम उत्तर प्रदेश सरकार व जनपद से राजधानी और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में रखी थी। भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लेकर इस पर जनहित में त्वरित कार्यवाही कर इसके लिए लगभग 1,40,00,000 रुपए का बजट आवंटन कर इसकी मरम्मत कराकर पुल को लोगों को समर्पित कर दिया। इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका टीम मोहम्मद इदरीश, पूर्व जेल विजिटर, ने पुल की मरम्मत की मांग अपने आंदोलन से जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाले मोहम्मद इदरीश, पूर्व जेल विजिटर, जिला कारागार का आज लोगों ने शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर लोगों को खिताब करते हुए मोहम्मद इदरीश ने कहा कि समस्या कितनी भी जटिल हो उसका समाधान हो सकता है और हम सभी एक टीम वर्क के साथ हर समस्या के समाधान हेतु सदैव पैरवी करते रहे हैं और करते रहेंगे। मुरादाबाद से अशरफ अली की रिपोर्ट। आज जो है हम ये ढेला नदी के पुल पर खड़े हैं, जो ढेला नदी का पुल के लिए हमारे सारे टीम ने और हमारे क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय जो है विधायक हाजी इकराम कुरैशी साहब ने इस पुल के लिए जो है बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रयास किए थे और हमारी टीम ने जो है इसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन किया था, जिसको सिटी न्यूज चैनल ने और अन्य चैनलों ने भी और हिंदुस्तान अखबार ने इसको बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके सरलू आज जो है ये कार्य जो है पूरा हो गया है और ये सब रोड जो है चालू हुआ है। इसके लिए है हम सारे उच्च अधिकारियों का और हम PW विभाग का सारे अधिकारियों का सारे पत्रकार मित्रों ने जिसने इस सतर्कता से दिखाया था उसका सबका हम आज शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है। मैं सब क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं सभी उच्च अधिकारियों को इसका धन्यवाद देता हूँ और अगली मांग मेरी यह है कि जो बराबर में कच्चा पुल बनाया गया है इस पर जो है एक नया पुल निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जो है क्षेत्र की जनता को लाभ मिले और ये जो है एक उत्तरांचल का मेन रोड है और इसी रोड से निकल कर जो है सारी क्षेत्र के तमाम उत्तराखंड में जो है लोग जाते हैं, इसलिए मेरी अपील है कि यहाँ एक नया पुल बनना चाहिए।